नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल न्यूज स्पॉट यूपी पर। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। उत्तर प्रदेश PCS परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने का प्रतियोगी छात्रों ने स्वागत किया है। पिछले कई वर्षों से प्रतियोगी छात्र इसकी मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि वैकल्पिक विषयों के चलते विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिक नंबर मिलता है और वह चयनित हो जाते हैं, जबकि मानविकी विषयों के अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। विज्ञान एवं मानविकी के नंबरों में एकरूपता लाने के लिए स्केलिंग पद्धति भी लाई गई, लेकिन वह विवादित रही। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन संजय श्रीनेत ने छात्रों की मांग को गंभीरता से लेते हुए इसका प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब वैकल्पिक विषयों की जगह उत्तर प्रदेश विशेष के 2 प्रश्न पत्र होंगे। इस बदलाव से परीक्षार्थियों को लाभ मिल सकेगा। PCS परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाए जाने पर आइए सुनते हैं प्रतियोगी छात्रों की जुबानी। उत्तर प्रदेश PCS से वैकल्पिक विषय को हटाया जाना आपके लिए कितना सर्वोपरि है? सर, बहुत ही अच्छा ये हटाया गया, क्योंकि इससे हम लोगों की जितने भी नए एस्पायरेंट हैं उनके लिए समय की बचत होगी और इसके अकॉर्डिंग हम लोग GS पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। कि आपसे भी वही प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये वैकल्पिक विषय को हटाया है, ये आप लोगों के लिए कितना हितकारी है? बहुत अच्छा है, हम नए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है और इससे विद्यार्थियों में समानता भी आएगी और बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे। जी सर, इससे हम बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ रहा है सर, इसमें से हम GS में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा ही बेहतर होगा। जी, उत्तर प्रदेश PCS से वैकल्पिक विषय को हटाया जाना ये आपके लिए कितना हितकारी है, आप अपनी बारे में अपनी प्रतिक्रिया जो है इस पर? सर, यह हमारी हम जैसे नए विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा मतलब अच्छा किया गया है, क्योंकि इसके द्वारा हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों में समानता आएगी और इससे हमारे एक सब्जेक्ट की मतलब टाइम की बचत होगी। जी सर, का ये एक अच्छी पहल है। जी सर, और ठीक।